गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज कैसे हैं आप सब? फर्स्टली अभी मैं यहाँ से आपका जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खास है, और फाइनली आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस जगह की। फाइनली आप देख सकते हैं जी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, और मैं बात कर रहा हूँ प्लांट्स की, डेट इज़ कॉल्ड नेचुरल गिफ्टेड नो। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ना वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं जो मैट्रेस की तरह ये पूरी तरह से ग्रास दिख रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर जब आप कहीं भी जाएंगे तो मैं फर्स्टली आपको बता रहा हूँ कि मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और अक्सर लोग क्या होते हैं कि अशोक कटरी ये सारे ऐसे गार्डन्स में, और मैं फाइनली दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना जो वॉकिंग के लिए आते हैं। मैं दो महिलाओं को देख रहा हूँ जो फर्स्टली फास्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर आके, और वो सामने से आपको दिख रहे होंगे जो ये दोनों कम से कम अभी तक ना लगता है 50 राउंड्स अप डाउन हो चुके हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा खासियत है, क्योंकि यहाँ पर से आपकी वॉकिंग से आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाली है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। और उस तरह की मैं बात करने जाऊँ तो वो जगह तो थोड़ा सा डेंजरस जोन में आता है, लेकिन ये जो जोन है इस जगह पर मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्टेबल, ओनली फॉर कंफर्टेबल मिलेगा आपको। क्या है ना कि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना तो फाइनली मैं यहाँ पर ये पैलेस चूज करता हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कम दिस पैलेस नो। और ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खास है मेरे पैलेस में, तो ये सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है। ये अगर बोला जाए तो अगर आप सामने से जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल, मैं बात कर रहा हूँ इतना ज़्यादा इसके पीछे मैट्रिस की तरह आपको लगेगा कम्फर्टेबल। फाइनली मैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें आपको देखने को, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि ये सारी चीजें क्या। इधर पूरी आपको इसकी ग्राउंड की मैं बात की जाऊं तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक फैली है गाइज, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और फाइनली इसके पास का जो लोकेशन है ना मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूं। एक चीज थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस लेवल रखता है, क्योंकि एक्चुअली क्या ना कितना बड़े जंगल में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बहुत सारे चीज़ हैं जो एक्चुअली क्या होता है कि स्नेक वगैरह बहुत ज़्यादा है इस जगह पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर जोन में लगता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है मुझे। और फाइनली इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट पैलेस है और पीसफुल पैलेस है। अक्सर लोग जब यहाँ पर आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा से पार्टियाँ मनाते हैं, धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेशंस करते हैं, और इस जगह को ज़्यादा अच्छा पैलेस को चूज करते हैं, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा खास लग रहा है मुझे, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फाइनली वहाँ पर आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, अक्सर वो लोग पता है कौन है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेल्फी इंस्टाग्राम और रील्स वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और ज़्यादा इंटरटेनमेंट्स का ये पैलेस भी बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा खास है। पे जाना है फाइनली, मैं कैसे जाऊं, मुझे इससे बीच से क्रॉस होना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मैं फंस चुका हूं यहां पर से, मुझे बाहर जाना है। फाइनली दोस्तों मैं अभी इससे क्रॉस होके निकला हूं, फाइनली इसीलिए निकला हूं कि आसपास में बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, आप एक अलग तरह की खुशबू आ रही है यहाँ पर, वो पुदीना की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली, ये सारी चीज़ पुदीना आपको दिख रहे हैं। फाइनली मैं बता रहा हूँ, अभी जस्ट टाइम गर्मी के कारण यहाँ पर वाटर प्लांटिंग किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं चारों तरफ, और फाइनली लगाया गया है यहाँ पर हर जगह पे, और ये समर के टाइम ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। और अभी दोनों तरफ से पूरी तरह से मिट्टी गीली हो चुकी है, क्योंकि आफ्टर टू डेज के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और ये पूरा पौधा आपको पता है क्या दिख रहा है, ये टच मी नॉट है यार, मैं आपको बताता हूँ, इसके पहली वाली वीडियो मैंने इसके बारे में एक्सप्लोर किया था ना, लेकिन यहाँ पर की मैं बात करूँ कैसा लग रहा है आपको लोकेशन। फाइनली अभी तो मेरा जो कदम है जो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो बैक साइड आप बैकग्राउंड पोजीशन देख रहे होंगे इसके पीछे एक सीक्रेट है गाइस। एक्चुअली अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ ना कुछ आफ्टर डेट दोनों साइड में इतना ज़्यादा मिंट यानी पुदीना की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है, और अच्छी तरह की मतलब बाई बार ये बहुत तरह की अच्छा स्मेल आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुगंध आ रहा है, ये ज़्यादा सा खास है। ये छोटे नन्हे पौधे के बारे में आपका क्या ख्याल आता है? एक्चुअली बहुत अच्छा ख्याल आता होगा, और आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये मिट्टी को गीला किया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप थी आज, तो इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि मैं आपको एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था ना कि मैं आपको कैसे बताऊँ, इसलिए सारे पानी को ऑलरेडी मिथ से वाटर्ड किया गया है यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा आपको मैं बता दूँ कि यूजफुल होता है यहाँ पर। चीज़ें पता है आपको क्या है, मैं आपको दूर से दिखा तो आफ्टर डेट क्या है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 1 2 3 4 5। अक्सर ये क्यों लगाया जाता है, एक्चुअली क्या होता है ना कि ये पूरे गार्डन को हर्बल गार्डन बनाया जाता है, पूरी तरह से इसको एन्जॉयमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ का जो आप ये देख सकते हैं ये पौधे मेरे ऑलरेडी घर पे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट प्लांट इसको बोला जाता है फाइनली। और यहाँ पर तो विटल्स यानी पान की खेती होती है ज़्यादातर, और यहाँ पर से किसान थोड़ा सा ज़्यादा खुश होते हैं। और लाइटली मैं बताऊँ तो ये सबसे ज़्यादा ये मेन हर्ट का पैलेस है यहाँ पर गाइज, और आप देख सकते हैं
हैं कि यहाँ आपके वन साइड में एक चीज़ मिल जाएगा आपको, जितने भी सारे मैंगो हैं वो आपके प्लांट्स मिल जाएंगे, और वन साइड में आपको गार्डन मिल जाएंगे, और वन साइड में आपको बीटल्स के गार्डन्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सीन का कवर देख रहे हैं, इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है। एक्चुअली क्या होता है ना कि पान की खेती एक अलग तरीके से यूज किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ जो होते हैं आप देखते हैं, जितने भी सारे एग्रीकल्चर्स के लोग जुड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा रोल बनाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जीनियस टाइप का दिमाग लगाते हैं कि जिससे इन्वायरमेंट सेफ हो। आप भी अपने घरों में पेड़ पौधे लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे, मतलब इसे लाइटली मत लीजिएगा, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अक्सर जब आपके पास ट्री होते हैं, ये लिविंग थिंग्स है, डू यू नो वेरी वेल प्लांट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, डू यू नो वेरी वेल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ना जाने क्या क्या देता है हम लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, वी ऑल्सो नो। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी आपका मूड ऑफ हो, मैं रियली बता रहा हूँ फिर से, तो यू वॉन्ट टू कम दिस पैलेस नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही ज़्यादा खास लगने वाला है। और इस जगह की मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा पीसफुल लग रहा है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा खास लगता है ना कि मैं अक्सर टाइम चलाता हूँ, और आज का डे तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा फील महसूस हो रहा है, और अच्छा थिंकिंग और गुड माइंड्स लग रहा है फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। तो आप इसे गौर से देखिए, एक्चुअली क्या आपको लग रहा है पता है, ये पूरा मैंगो का मैं बता रहा हूँ कि ये प्लांट्स है, और अभी जो इतने आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने देख रहे हैं ना, ये पौधे हैं ना, वो विशाल रूप धारण करते हैं, वो बड़े बड़े जो आप सामने दिख रहा है वो करने वाला। इसमें बहुत सारा, एक ट्री में बहुत सारे मैंगो होते हैं, ये थोड़ी सी इसकी खासियत है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किशन तो आप ऑलरेडी देख चुके ही होंगे, इसके पीछे इतने सारे सीक्रेट है, एक साथ इतने मैंगो के छोटे नन्हे मुन्ने पौधे बहुत ही ज़्यादा खास लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो प्लीज़ गाइज आज इसके लिए लाइक ठोक दीजिएगा, और चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलने वाला हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय टू ऑल, बाय।